हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज 7.4 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें करना क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ रफली तौर पे। ठीक है, इन सभी के अंदर आपको एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपको मिलेगा कि भाई क्वेश्चन में कोस 5 थीटा के फॉर्म में लिखे, तो कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा लिख के फिर उसको लिखना है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पूरे की पावर 5 जो भी आती है, फिर उसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, ये है तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि कोस 5 थीटा को इस फॉर्म में अरेंज करो। ठीक है, तो कोस 5 थीटा मीन्स डिमोस थ्योरम क्या कहती है, कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस पूरे की पावर 5। हाँ भाई, एन सी नोट 5 सी नोट ए की पावर एन, ए क्या है कोस 5 थीटा, बी की पावर 0, 5c1 कोस की पावर क्या जाएगी 4 थीटा एंड साइन की जो पैरों में होती है आयोटा साइन थीटा की पावर 1। ठीक है, 5c2 कोस की पावर 3 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर स्क्वायर, 5c3 कोस की पावर 2 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब प्लस 5c4 कोस की पावर 1 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस 5c5 कोस की पावर कितनी आ जाएगी 0, यानी कि खत्म हो जाएगा आयोटा साइन थीटा की पावर 5। हाँ भाई, इसको एक बार सोल्व करना। 5c नोट क्या होता है आपके पास 1 होता है। ठीक है, ncr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 आ गया तो ये हो गया कोस 5 थीटा। नेक्स्ट बताओ आयोटा आएगा, बिल्कुल आएगा, 5c1 5 होता है आयोटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, 5 आयोटा कोस की पावर 4 और साइन थीटा। 5c2 कितना होता है निकाल लो 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 कोस क्यूब थीटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5c3 क्या होता है, 5c3 अगेन 10। ठीक है, माइनस 10 और यहाँ पे माइनस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 आयोटा कोस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 5c4 क्या होता है आपके पास, 5c4 कोस थीटा एंड आयोटा की 4 हो गया पॉजिटिव साइन 4 थीटा प्लस आयोटा 5c1 5 क्या होता है 1 और आयोटा की पावर 5 हो जाएगा आयोटा साइन की पावर 5 थीटा। रियल और इमेजर इक्वेट कर दो, कोस की पावर 5 थीटा, रियल पार्ट इधर से कोस 5 थीटा, भाई डिमोस थ्योरम जब हमने यूज की थी तो कोस 5 थीटा किसके बराबर आ गया, रियल पार्ट उठा लो यहाँ से, ये इमेजनरी है नहीं आएगा, ये आएगा माइनस 10 कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं आएगा प्लस 5 कोस थीटा साइन की 4 थीटा प्लस। ठीक है, ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, और ये आएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आंसर में क्या दे रखा है आपके पास, सिर्फ कोस की टर्म्स, हाँ साइन भी दे रखा है। ठीक है, मैच करके देख लेना। नेक्स्ट साइन 5 थीटा है, मेजरी से कंपेयर करोगे तो कल के लिए सिर्फ आपको कितने करने हैं, साइन 5 थीटा को एक्सप्रेस करना है साइन में, कोस 5 थीटा सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इन पावर ऑफ साइन का मीनिंग है कि अगर साइन 5 थीटा में कोस भी आता है तो उसको आप चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी तरह से ये। नेक्स्ट आपको करना है साइन 6 थीटा, यानी कि कोस 6 थीटा प्लस आल्टा साइन 6 थीटा, ठीक है, को खोलना है और उसका जो भी आएगा उसको साइन से डिवाइड कर देना। ठीक है, 10 वाले को छोड़ देना, 10 मैं कराऊंगी खुद। ठीक है, तो बाकी आपके 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, बस आज छोटा ही रखेंगे लेक्चर। ओके, ठीक है, थैंक यू।